हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन पनीरम। पिछले वीडियो में हमने एक छोटा बैच बैटर पीस के मीठा पनीरम बनाया था। आज हम वही बैटर यूज करके ये नमकीन पनीरम बनाएंगे। बैटर पीसने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें। माध्यम फ्लेम पर एक छोटा चम्मच तेल गरम कर लें। अब इसमें डालें सरसों के दाने, कड़ी पत्ता, दो बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज के हल्के गुलाबी होने तक भून लें। अब इसमें डालें एक चुटकी हींग और अच्छे से मिला लें। स्टोव को स्विच ऑफ करके रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने दें। अब एक बाउल में लें फर्मेंट किया बैटर। इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक, पकाया प्याज मिश्रण और अच्छे से मिला लें। नमकीन पनीरम की बैटर की कंसिस्टेंसी मीठे पनीरम के बैटर की तुलना में गाढ़ी होती है। इस बैटर से 20 पनीरम मिलेंगे। अब पनीरम पैन को माध्यम फ्लेम में गर्म कर लें। हर एक मोल में डालें तेल। गर्म होने के बाद मोल में बैटर भर लें। कवर करके माध्यम फ्लेम में 2-3 मिनट तक या फिर नीचे से गोल्डन ब्राउन और फर्म होने तक पका लें। पकने के बाद वुडन स्क्यूअर या चम्मच से पलट लें। अब दूसरे साइड को 1 मिनट या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। पनीरम पका है कि नहीं चेक करने के लिए बीच में टूथपिक इंसर्ट करके देखें। अगर ये साफ निकलता है तो ये तैयार है। पैन से निकाल के प्लेट में ट्रांसफर कर लें। नमकीन पनीरम तैयार है। इसी तरीके से बचे बैटर से पनीरम बना लें। अपने फेवरेट चटनी के साथ गरम सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।